कई साल पहले मैंने अपने जीवन का सबसे मुश्किल फैसला लिया। 15 एकड़ जमीन होने के बाद भी मुझे अपनी रोजी रोटी के लिए मुंबई जाना पड़ा। बहुत कम बरसात होने के कारण हर साल मेरी कोई भी फसल उग नहीं पाती थी। मुंबई में मजदूरी करके जो मैं रोज के 50 रुपए कमाता था, उस समय वो गांव में किसान बनने से बेहतर था। यादव दादा ठांगे की कहानी भारत के करोड़ों किसानों की कहानी है। एक ऐसा देश जहां आधी से ज्यादा आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर है, वहां बारिश की एक एक बूंद हर किसान के लिए जीवन रेखा है। हालांकि भारत को अत्यधिक वर्षा का वरदान प्राप्त है, फिर भी देश के कई क्षेत्र बारिश की एक एक बूंद को तरसते हैं। इस जल संकट के कारण है खराब व्यवस्था, अक्षम योजनाएं और पानी की बर्बादी। इसके साथ ही बदलती आबादी और जलाशयों का दोहन तेजी से जल संकट के कारण बन रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के साथ भारत के जल संकट ने एक अत्यधिक भयंकर तस्वीर प्रस्तुत कर दी है। जहां भारत के कई प्रदेश प्रकृति के प्रकोप से संघर्ष कर रहे थे, वहीं महाराष्ट्र का एक गांव फसलों की खूब पैदावार कर रहा था। मैंने अपना गांव 1965 में छोड़ा और 35 साल मुंबई में रहा। कुछ सालों बाद मैंने सुना कि मेरे गांव के लोग बरसात के पानी को बचाकर सूखे का सामना कर रहे थे। मैंने अपनी नौकरी छोड़कर अपने गांव हिवड़े बाजार वापस आने का फैसला किया। जो सूखे कुएं मैं छोड़कर गया था, उनमें अब मेरे खेतों के लिए खूब पानी था। मेरे गांव में सामुदायिक सहयोग से जो काम हुआ है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की सह्याद्री पहाड़ियों में बसा गाँव हिवड़े बाजार ऐसे क्षेत्र में बसा है जहां बहुत ही कम वर्षा होती है, जबकि सह्याद्री के पश्चिम में स्थित कोंकण में सालाना 4000 मिलीमीटर वर्षा मापी जाती है। वहीं दूसरी ओर हिवड़े बाजार, जो कि सह्याद्री के पूर्व में स्थित है, साल में केवल 400 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। मॉनसून के ना होने और सूखा पड़ने के बावजूद इस गांव ने हार नहीं मानी। भारत के सबसे सूखे और बंजर इलाकों में से एक माना जाने वाला हिवड़े बाजार आज रेगिस्तान में एक जल स्रोत की तरह है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट पानी में काफी जरूरी है कि भाई हमारे गांव में ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों है, इतनी कम बारिश है, माइग्रेशन है, यहाँ कोई रुकता नहीं है, गांव के हालात खराब है, तो हालात में सुधार लानी है। तो लोगों ने कहा अरे पानी नहीं है करके ये प्रॉब्लम है, अगर पानी आ जाएगा तो प्रॉब्लम खत्म हो गए। तो मैंने उनको ये कहा कि पानी तो आ जाएगा, लेकिन बारिश का जो पानी है, बस वही पानी, अगर वाटर शेड करेंगे तो पानी आ जाएगा। सन 1989 हिवड़े बाजार का भाग्य पलटने का शुरुआती दौर माना जाता है। गांव वालों ने एकजुट होकर पोपट राव पवार को गांव का मुखिया चुना और उनकी प्रगतिशील दृष्टि में विश्वास किया। पवार ने हरेक गांव वाले को पानी की उपयोगिता का महत्व समझाया। एक जमाना था कब रेनफीड क्रॉपिंग पैटर्न था, बारिश हो गई क्रॉप मिलता था, बारिश खत्म हो गई पानी खत्म होता था। और आज हालत ऐसी है कि समर सीजन का चौथा क्रॉप अब गांव में लोग लेते हैं। हिवड़े बाजार की मिट्टी सतही है और इसकी उपजाऊ क्षमता कम है, लेकिन गांव वालों को एहसास हुआ कि उनकी परेशानियों का हल भी इसी मिट्टी में है। हिवड़े बाजार के लोगों ने गांव में बरसात के पानी से सिंचाई का एक वाटरशेड यानी जल विभाजन कार्यक्रम शुरू किया। जल विभाजन व्यवस्था जल के परंपरागत प्रबंधन की वो व्यवस्था है जिससे बरसात के पानी को आसानी से रोका और जमा किया जा सकता है। गांव वासियों ने गांव के चारों ओर पहाड़ों के ऊपरी क्षेत्रों में गहरी नालियां खोदी। ये कॉन्टूअर ट्रेंचेस यानी सामोच्च नालियां पूरे पहाड़ पर खुदे ऐसे गड्ढे होते हैं
जो बरसाती पानी के बहाव की दिशा के 90 डिग्री के कोण पर खोदे जाते हैं। बारिश का पानी सीधा इन गड्ढों में गिरता है। इन गड्ढों की खुदाई के दौरान निकली मिट्टी को पौधे लगाने के लिए एक उपजाऊ जमीन का रूप दे दिया जाता है। जब वर्षा होती है तो पानी इन नालियों में बहने लगता है और मिट्टी में जाकर पौधों को पोषण देता है। धीरे धीरे ये पेड़ बरसात के पानी को अपनी जड़ों में फंसाकर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। इसी तरह गांव के कुओं में पर्याप्त पानी मौजूद रहता है। जल विभाजन के मध्य भाग में मिट्टी को इकट्ठा किया गया ताकि ऊपर से नीचे आते पानी को जमा किया जा सके। ये मिट्टी के छोटे छोटे ढेर काली मिट्टी को सुसंबद्ध करके बनाए गए हैं, क्योंकि इस तरह की काली मिट्टी पानी को आगे बहने से रोकने का कार्य करती है। इसी के साथ ऐसे ढेर पानी को सीधा मिट्टी में रसाते हैं। अतिरिक्त पानी मिट्टी के ढेरों के बीच से बहता हुआ निचली सतह तक पहुंचता है। निचले भाग के इलाकों में खेतों को हिस्सों में बांटकर समतल किया गया है, जिससे बरसात का पानी रुककर सीधे वहां की मिट्टी में रिसता है। मिट्टी और पानी के संरक्षण के समान सिद्धांत पर काम करने वाले ऐसे और भी ढांचे पूरे गांव में बनाए गए हैं। नाली के अवरोधक और बिखरे गोल पत्थर ऊपरी भाग के इलाकों में पानी की गति को कम करते हैं और मिट्टी का कटाव रोकते हैं। पानी की छिद्र वाली टंकियां और सीमेंट के ढेर धारा के प्रतिकूल बहते पानी को जमा करने में मदद करते हैं। वर्षा विहीन महीनों में ये पानी मिट्टी में समाता है और भूमिगत जल स्तर को बढ़ाता है। सिंचाई के लिए भरपूर पानी मौजूद होने के साथ इन सूखी चट्टानों में भी हरियाली दिखाई देने लगी है। जल विभाजन कार्यक्रम की असाधारण सफलता के बाद हिवड़े बाजार में वापस लौटने वाले 40 परिवारों में से एक है पोपट राव बोरकर का परिवार। इन परंपरागत जल विधियों के कारण गांव के कुओं में पानी बढ़ा है और मिट्टी में नमी की वृद्धि हुई है। जब हमारे पास पानी नहीं था तब हमारे पास कुछ नहीं था, अब जब हमारे पास पानी है तो सब कुछ है। हिवड़े बाजार के अन्य किसानों की तरह बोरकर भी बढ़ती पानी की उपलब्धता को फिजूल बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने परंपरागत बाढ़ सिंचाई की बजाय ड्रिप सिंचाई का फैसला किया। ड्रिप का इतना फायदा है कि पानी कम लगता है, श्रम भी कम लगता है, उत्पन्न उतना बढ़ाता है और जमीन की सुबिक भी अच्छी होती है और पैदावार भी अच्छी निकलती है उसकी। पहले की हालत तो बहुत कम थी, पानी कम मिलता था तो उसी हिसाब से गांव वाले क्रॉपिंग पैटर्न लिया जाता था, ज्वार बाजरा जिसके पास पानी है उसके पास गेहूँ। लेकिन वाटर ऑडिट शुरू होने के बाद में गांव वालों ने हर महीने में यहां पर वाटर ऑडिट ओपन वेल से वाटर ऑडिट किया जाता है, जो लेवल लिया जाता है तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न लिया जाता है और उसमें 250 या 300 मिलीमीटर बारिश गिर गया तो ओनियन पोटैटो वेजिटेबल वो लिया जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर ग्राम सभा में डिसीजन लेके ये निर्णय लिया, जो कि बारिश होने के बाद में वर्ष में कितना पानी आता है उसी हिसाब से वो किसान लोग भी अपना अपना क्रॉपिंग पैटर्न लेना उन लोगों ने भी फाइनल किया। सामूहिक फैसलों की ताकत हिवड़े बाजार की सफलता की कहानी का आधार है। 1300 से अधिक आबादी वाले इस गाँव ने मिलजुल कर फैसला किया कि जरूरत से ज्यादा पानी के इस्तेमाल वाली नकदी फसलें जैसे गन्ने और केले पर रोक लगाई जाए। बेरोक टोक चारा चरने पर प्रभावी रोक से चारे के उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हुई है। पूर्वी खेती होती, पंजराइत होती। पहले मेरे पास जमीन थी पर कोई पैदावार नहीं थी, लेकिन जल विभाजन के बाद मेरे खेतों में हमेशा बहुत पानी रहता है। अब मैं खूब घास उगा सकता हूँ और मेरे पशुओं के लिए खूब चारा भी होता है। पानी ने मेरे परिवार को नई जिंदगी दी है। आज हिवड़े के 70% लोग डेयरी उत्पादन को अपना दूसरा व्यवसाय मानते हैं। गांव का स्थानीय डेयरी कोऑपरेटिव एक सफल व्यापार का रूप ले चुका है। Thank you.
क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बारिश, पानी और न जाने इस जैसी कितनी समस्याओं को लेकर पूरी दुनिया भर में यह हंगामा हो रहा है, लेकिन हीरे बाजार में इसी किसी चीज़ को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। और इसका एक ही कारण है कि पिछले 20 साल से हमने जो संगठित होकर जो काम किया है, अभी पूरे साल भर में पानी की कोई प्रॉब्लम गाँव में नहीं होती। और पानी की प्रॉब्लम नहीं है तो बाकी की सब प्रॉब्लम खत्म हो गई। और माना कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, और ये चमत्कार हर एक गाँव में हो सकता है, लेकिन सबने सोचना चाहिए कि हीरे बाजार में हो सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। जल प्रबंधन में असाधारण योगदान की सराहना करते हुए भारत सरकार ने सन 2008 में हीरे बाजार को राष्ट्रीय जल सम्मान प्रदान किया। हीरे बाजार में आज भी बहुत सीमित वर्षा होती है, लेकिन जो बदला है वो है गांव वालों का इस पानी के प्रति रवैया और मानसिकता। पानी है तो हमारा जीवन है, अगर एक भी पीछे हट गया तो हम लोग काम नहीं कर सकते। सिर्फ पानी के कारण ही आज हम बेहतर जीवन जी रहे हैं। पानी लाने के लिए पूरे गांव ने एक साथ काम किया, जिससे हमारी जिंदगी बदल गई। एक ऐसी भूमि में जहां बरसों से पानी के बारे में गाए गीतों की गूंज सुनाई देती है, हीरे बाजार के आम किसानों ने एक नई कहानी रची है। इन 20 सालों का सफर हीरे बाजार के लिए हिम्मत और हौसले का रहा है। ये एक ऐसा सफर है जिसका कोई सानी नहीं, लेकिन यकीनन ये एक ऐसी कहानी है जो दुनिया भर में हीरे बाजार जैसी अनेक कहानियों को प्रेरणा दे सकती है।